और जिनके शासकीय अस्पताल माधवनगर चिकित्सालय में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। इस दौरान एडिशनल कलेक्टर सुजान सिंह रावत की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। देख सकते हैं पुलिस फिलहाल पकड़ रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है हम यहाँ पर पुलिस को लेकर देखिए पुलिस के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल देखिए उज्जैन के शासकीय माधवनगर चिकित्सालय में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब वहां पर एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी व अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हुई है। मामला गर्माता देख भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया मौके पर पहुंचे, परंतु परिजनों ने उन्हें लौटा दिया। अस्पताल के प्रभारी एडिशनल कलेक्टर सुजान सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे और परिजनों ने अपना गुस्सा उन पर भी निकाल दिया और इस दौरान उन पर पथराव किया। एडिशनल कलेक्टर ने खुद को एक कमरे में बंद कर बचाया। शासकीय गाड़ी पर पथराव भी किया गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया। कल दो बार बात तो खड़ी थी। किस तरह की समस्या आ रही थी? ऑक्सीजन नहीं मिली रात को, हम लोग उसने भी नहीं तो क्या मालूम। डॉक्टर से पूछा, हाँ रिकवर हो रहे ठीक है, अभी हालत स्थिर है, अच्छी है, ठीक है, पर रात को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण देखिए आप लोगों के सामने हम लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जो शासकीय चिकित्सालय माधवनगर उज्जैन में अभी कुछ व्यक्तियों ने यहाँ पे कुछ हड़दंग करने की कोशिश की थी। किसी की डेथ हो गई थी, वो रेगुलर डेथ बताते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है और जो भी होगा दोषी उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कराते जो जो नाम आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके साथ में जो ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन भी बढ़ रहा है और ये इशू जो है पूरे प्रदेश भर का है। हमारे यहाँ पर इंदौर से ऑक्सीजन गैस आती है लिक्विड फॉर्म में और सिलेंडर्स के रूप में उसमें, तो डिमांड जो है थोड़ी सी बढ़ रही है, कंजप्शन इसका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं। जो एजेंसीज हैं जो यहाँ पर सप्लाई करती है उनसे हम लोग टच में हैं, इंदौर से भी हम टच में हैं। कल माननीय कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और जो उज्जैन के 3 सप्लायर हैं उनको भी एक आदेश किया है कि वो अपना इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं करेंगे और मेडिकल यूज़ ही इसका करेंगे। यहाँ पर सही बात है, पर रात भर करके सब लगे रहे तो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। हालाँकि ये 2 दिन पहले ही हमने चेता दिया था कि ऑक्सीजन के वो रखें क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ये एकदम जो सेकंड लहर है बहुत तेज़ी से बढ़ी है तो इसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।